कर लेते हैं भोपाल का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचकर्मा और वेलनेस सेंटर की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह कार्यक्रम में मौजूद है। शरीर में ताकत नहीं है तो ना आत्मा मिलेंगे ना परमात्मा मिलेंगे। और अपने यहां केवल ये नहीं कहा कि बीमार हो जाओ तब इलाज करो, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, गांव में हम लोग रहते थे तो बरसात के समय सफेद वो जो कुमड़ा होता था ना, भूरा हमारे गांव में कहते थे, हमारी दादी माँ उससे चूरण बनवाया करती थी। फटी कहते थे, घर पे ही बनाते थे, पता नहीं उसको काट के अंदर भरते थे, कौन कौन सी चीजें डालते थे, और फिर कहते थे सर्दी के दिनों में गर्म पानी से एक चम्मच इसको फाक लो। हम लोग फाक रहे, इसको कहते थे फटी, तो वही फाकते थे, बनता था घर घर। ये आयुर्वेद था। बीमार होने से हम बचे कैसे, और इसलिए अच्छा फिर आयुर्वेद की दवा खाने में मजा आ जाता था। एलोपैथी वाले तो कड़वी देते हैं, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बीमार होते थे तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी भेजते थे, वैद्य लक्ष्मी नारायण थे पास के गांव में, वो आते थे और बढ़िया बढ़िया चूरण देते थे और दवाई भी देते थे। तो कहते थे पुड़िया खोलो, डालो इसको शहद मिला, और शहद में मिला के चाटो, तो कई बार लगता था और थोड़ी मिल जाए तो वो भी चाट ले, तो चाटने में अलग आनंद आता। और कई बार वो ऐसी भी देते थे कि ये दाल में मिला के खा ले, तो दवाई की दवाई और स्वाद का स्वाद। अच्छा फिर मैं किसी विधा का विरोधी नहीं, एलोपैथी की अपनी उपयोगिता है सर्जरी जैसे मामले में, हालांकि अपने आप ही सर्जन कितने बरस पहले हुए आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद एक संपूर्ण विधा है। अब वैद्य जी तो नाड़ी देखते थे, कफ पित्त बात बराबर है कि नहीं, कैसी चल रही है, उससे पहचान लेते थे। एलोपैथी में एक अजीब सी बात है, अगर कोई पेट में दर्द है तो उन्होंने कहा ये अलग डॉक्टर, आपने कहा कि नहीं आंखों में दर्द हो रहा तो आई सर्जन, आई आंखों के डॉक्टर के पास जाओ, हार्ट की बीमारी के पास हार्ट के पास जाओ, लीवर की बीमारी के पास, फिर अलग हो गया। अब अलग अलग एक बार अगर आप फुल चेकअप करा लो तो अलग अलग डॉक्टर इतने ओपिनियन देते हैं कि अपनी दवाई खा लो तो वैसे ही मर जाओ आप, इसकी है इसकी है इसकी है। लेकिन आयुर्वेद संपूर्ण विधा, नाड़ी देख के रोग की पहचान करके केवल दवाना नहीं बल्कि मूल कारण है उसका निदान करने का प्रयास करता है आयुर्वेद। जब तक मूल कारण का निवारण नहीं होगा तो आपने दवाई खाई, दर्द तो हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता, और साइड इफेक्ट्स भी कई होते हैं। दोनों की अपनी विशेषता में किसी विधा का विरोधी नहीं हो, लेकिन आयुर्वेद की महत्ता आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और इसलिए मैं तो कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, 23 को बना, 24 को लॉकडाउन, अब समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, तो हमने कहा त्रिगुण काला बनवाओ भाई, आयुर्वेद क्योंकि तब तक एलोपैथी की दवाई नहीं आई थी, तो फिर वो काढ़ा अपना 2 करोड़ घरों में बांटा था उस समय, और उस समय तो जो देखो वही क्या कर रहा, बोले काढ़ा पियो। आयुर्वेद बड़ा सहायक सिद्ध हुआ, और इसलिए एक निवेदन मेरा है, देखो विभाग से भी सारे हमारे जो विशेषज्ञ हमारे जो बैठे हैं आयुर्वेद के, उनसे आयुर्वेद ऐसी विधा है जिसको कल दुनिया अपनाएगी संपूर्णता के साथ। आज भी आप देखो, अब दवाइयां आप देखो, हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयां कितनी हम बनाते, वो वन विभाग वाले पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो कांवरे नानू आते हैं कांवरे जी, अरे साहब और कुछ करो और कुछ करो, दवाइयां नहीं मिल रही दवाइयां नहीं मिल रही। आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है लगातार, और हमने ये भी सोचा है कि अस्पताल में जाए
तो केवल एलोपैथी का है। हम धीरे धीरे ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आयुर्वेद का डॉक्टर भी बैठे, जिसको दिखाना हो आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाए, जिसको एलोपैथी का लेकर अस्पताल अलग, आयुर्वेदिक अस्पताल अलग, एलोपैथिक अस्पताल, चिकित्सालय मतलब चिकित्सालय, एलोपैथी का इलाज भी हो, आयुर्वेदिक इलाज की सुविधाएं भी हो, या करें करना जरूरी। लेकिन हमारा ये जो संस्थान है खुशीलाल वैद्य, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। खुशीलाल वैद्य जी अद्भुत थे, लेकिन आपके संस्थान का नाम आज पूरे देश में है, पूरे देश में मुझे गर्व होता है ये बताते हुए, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं। और एक बड़ी जवाबदारी आप पे है कि आप आयुर्वेद में रिसर्च करते हुए इस संस्थान के माध्यम से स्थापित करें आयुर्वेद को। स्वर्गीय पंडित उद्धव दास मेहता भी आज याद आ रहे हैं, रामनारायण शास्त्री इंदौर वाले आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा। ये उस जमाने में ऐसे थे कि जो देखो इन्हीं के पास जाता था इलाज कराने, लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद में रिसर्च खत्म हो गया। एलोपैथी में रोज रिसर्च होते हैं, बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियां करती है, सरकारें करती है, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि हम रिसर्च शुरू करें। और आपने बताया रिसर्च लैब बन गई है, यहां रिसर्च होना चाहिए आयुर्वेद पे, नई बीमारी तो दवाइयां कौन सी, नित नए रिसर्च होते रहे, शोध होते रहे, तो आयुर्वेद रिसर्च से आगे बढ़ेगा, नहीं तो एक जमाने के बाद रिसर्च नहीं हुई तो आगे नहीं बढ़ा।